नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। ग्रहों से जाने क्या बनेंगे आप मंगल ग्रह। ग्रहों से जाने क्या बनेंगे आपकी तीसरी कड़ी में जानिए कैसे मंगल ग्रह आपके जीवन में करियर की राह प्रशस्त करता है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह तथा भूमि का कारक माना गया है। इस ग्रह के संदर्भ में सेना संबंधी कार्यों और पुलिस विभाग से जुड़े कामों को देखा जा सकता है। इस ग्रह के प्रभाव स्वरूप जातक में साहस और शौर्य के गुणों का निष्पादन होता है। इसके उन्नत प्रभाव के कारण ही जातक में निडरता की भावना देखी जा सकती है, किंतु यदि यह ग्रह किसी कारण से पीड़ित हो तो व्यक्ति में साहस और शक्ति की कमी होना स्वाभाविक होता है। मंगल व्यक्ति को योद्धाओं का गुण देता है, निरंकुश तानाशाही प्रकृति का बनाने वाला बनता है। पुलिस व सेना में नौकरी, अग्नि कार्य, बिजली का कार्य, विद्युत विभाग, साहसिक कार्य, धातु कार्य, जमीन का क्रय विक्रय, भूमि के कार्य, भूमि विज्ञान, रक्षा विभाग, खनिज पदार्थ, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिक, वकालत, ब्लड बैंक, शल्य चिकित्सक, केमिस्ट, दवा विक्रेता, खून बेचना, सिविल इंजीनियरिंग, शस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, साहसिक खेल, कुश्ती, स्पोर्ट्स, खिलाड़ी, फायर ब्रिगेड, आतिशबाजी, रसायन शास्त्र, सर्कस, नौकरी दिलवाने के कार्य, शक्तिवर्धक कार्य, अग्नि बीमा, चूल्हा, ईंधन, पारा, पत्थर, मिट्टी का सामान, तांबे से संबंधित कार्य, धातुओं से संबंधित कार्यक्षेत्र, लाल रंग के पदार्थ, बेकरी, कैटरिंग, हलवाई, रसोईया, ईंटों का भट्टा, बर्तनों का कार्य, होटल एवं रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, जुआ, मिट्टी के बर्तन व खिलौने, नाई, औजार, भट्टी। यदि कार्यक्षेत्र का स्वामी होते हुए मंगल, केतु, सूर्य जैसे अग्नि युक्त ग्रहों से संबंध बनाता है तो व्यक्ति अग्नि संबंधी कामों से धनोर्पार्जन करता है। भट्टी के काम, बिजली के काम, भोजन बनाने संबंधी काम या कल कारखानों में काम कर सकता है। जब मंगल चतुर्थेश के साथ मिलकर संबंध बना रहा होता है तो व्यक्ति भूमि, किराया आदि से आय या धन पाता है। मंगल के कारण व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित कामों को भी करने वाला होता है और इस क्षेत्र में उसे अच्छा लाभ भी मिलता है। दशम में स्थित होकर चौथे भाव पर दृष्टि दे रहा होता है। मंगल की लग्नेश व चतुर्थेश पर दृष्टि हो और मंगल कर्म क्षेत्र का स्वामी बनकर स्थित हो तो जातक क्रूर क्रम करने की ओर प्रवृत्त रह सकता है। जातक में प्रबंधन के गुण भी इस ग्रह से देखे जा सकते हैं। जब यह कर्म क्षेत्र को दर्शाता है तो व्यक्ति में प्रबंधक की योग्यता देखी जा सकती है। व्यक्ति दूसरों से काम लेने की कला जानता है और उसके गुण द्वारा वह अपने कर्मचारियों को बांधे रखने में भी सफल होता है। मंगल तार्किक भाषा से युक्त होता है, व्यर्थ के भटकाव में नहीं रहता है। यह समझ के दायरे को विकसित करने में सहायक होता है। मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव जातक को तीव्र बुद्धि वाला और तार्किक बनाने में सहायक होता है। जब कुंडली में मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर मजबूत स्थिति में होता है और व्यवसाय भाव से प्रभावित होता है तो व्यक्ति को शासक व मंत्री पद दिलाने में सहायक बनता है। मंगल सेनापति है और योद्धा है। ऐसे में जब यह सूर्य ग्रह के साथ संबंध बना रहा होता है तो जातक राज्य से संबंधित कामों जैसे कि रक्षा विभाग इत्यादि से जुड़ा हो सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर मंगल चंद्र या शुक्र से प्रभावित होते हुए व्यवसाय का द्योतक बनता हो तो व्यक्ति को घर से आमदनी होती है, जायदाद का सुख मिलता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।
आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।